हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 क्लास प्लस 2 इंटेग्रल करेंगे, जिस एक्सरसाइज 7.1। आज हम इसके 1 to 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले आप इसकी एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें, तो आपको बिल्कुल ईजी समझ लगेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे पास है साइन ऑफ 2x। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था इंट्रोडक्शन में, साइन 2x है। अब ये किसका डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव है कॉस ऑफ 2x का। कॉस ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव 2 साइन ऑफ 2x। तो ये नेगेटिव 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन ऑफ 2x हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव 1/2 डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 2x। तो साइन ऑफ 2x इक्वल टू नेगेटिव, सॉरी, d/dx नेगेटिव 1/2 कॉस ऑफ 2x। तो हमने लिख लेना एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x इक्वल टू नेगेटिव 1/2 कॉस ऑफ 2x। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, अब हमने फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x। अब कॉस 3x किसका डेरिवेटिव है? साइन ऑफ 3x का। तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 कॉस ऑफ 3x। अब 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 3x डेरिवेटिव ऑफ 1/3 साइन ऑफ 3x। तो हमने लिख देना एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 3x इक्वल टू 1/3 साइन ऑफ 3x। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास एक्सपोनेंशियल 2x। अब हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये किसका डेरिवेटिव है? e/2x। तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा? e/2x इंटू 2। तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो e/2x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e/2x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e/2x इक्वल टू 1/2 e/2x। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ax + b का स्केयर। तो ये किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव ऑफ स्केयर है, तो ये डेरिवेटिव होगा क्यूब का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 ax + b का स्केयर, और ax का डेरिवेटिव a। तो हमारे पास d/dx क्या आ गया? ax + b का क्यूब 3a ax + b का स्केयर। 3a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ax + b का स्केयर इक्वल टू डेरिवेटिव 1/3 ax + b का क्यूब। तो लिख देना एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b का स्केयर इज 1/3 ax + b का क्यूब। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास साइन 2x नेगेटिव 4 e/3x। तो पहले हम साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा? डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 2x। कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव 2 साइन ऑफ 2x, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव 1/2 कॉस ऑफ 2x। अब हमने फाइंड आउट करना है नेगेटिव 4 e/3x का। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा? नेगेटिव 4 e/3x का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव 4 e/3x इंटू 3, क्योंकि 3x का फर्दर डेरिवेटिव हमने 3 भी लिखना है। तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेरिवेटिव नेगेटिव 4/3 e/3x नेगेटिव 4 e/3x। अब हमने दोनों का कंबाइन फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव। तो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव ऑफ
साइन 2x और 4 e की पावर 3x, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव 2 साइन 2x और नेगेटिव 4 बाय 3 e की पावर 3x। पहले दोनों का अलग अलग निकाल लो एंटी डेरिवेटिव, फिर दोनों को कंबाइन कर। तो चलते हैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन पर। पहले 1 से 5 क्वेश्चन थे हमारे एंटी डेरिवेटिव के, अब हमने सॉल्व करना है इंटीग्रल। तो फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास 4 ई की पावर 3x प्लस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 4 ई की पावर 3x, अब x का कोफिशियंट 3 है तो 3 के साथ डिवाइड, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x प्लस c। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेवन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन्थ आपके पास एक्स स्क्र 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्र को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्र, एक्स स्क्र को 1 बाय एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्र, एक्स स्क्र के साथ एक्स स्क्र कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा? 1। एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाय 3 और 1 की इंटीग्रेशन है एक्स। तो ये आपका सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ए एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सी। तो ए एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन ए एक्स क्यूब बाय 3, बी एक्स की बी एक्स स्क्वेयर बाय 2 और यहाँ सी एक्स और कॉन्स्टेंट सी। तो ये आपका एट्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स। तो 2x स्क्वायर डी एक्स और ई एक्स डी एक्स। 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2x क्यूब बाय 3 और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। तो ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले इसके स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दो, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स। तो ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स, ये भी स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय एक्स, और ये रूट एक्स के साथ रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स और 2 की इंटीग्रेशन 2x। तो ये हमारा टेंथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन पर। इलेवेंथ क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसे करने से पहले आप क्या करो, अलग अलग एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह गया एक्स, या एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 5, और यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड में, तो यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स की पावर नेगेटिव। अब एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 की इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट के साथ एक्स, और एक्स नेगेटिव 2 की इसमें 1 ऐड करो, नेगेटिव 1 डिवाइड बाय नेगेटिव 1। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 5x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव 1 है डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय रूट एक्स। बिल्कुल 11th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो वीडियो को रोक कर। तो क्वेश्चन आपके पास एक्स क्यूब डिवाइड में रूट एक्स है, तो x की पावर हाफ अलग कर दो, एक्स के नीचे हाफ अलग कर दो और 4 यहाँ हाफ अलग कर दो। तो यहाँ एक्स की क्यूब है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो एक्स की पावर नेगेटिव 1 बाय 2। यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो ये भी एक्स की पावर नेगेटिव 1 बाय 2। यहाँ एक्स की पावर नेगेटिव 1 बाय 2। अब इसकी बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 3 माइनस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय 2।
वन माइनस वन बाय टू क्या आ जाएगा, वन बाय टू, और यहाँ आपके पास क्या है, एक्स की पावर नेगेटिव हाफ। अब इंटीग्रेशन करनी है तो फाइव बाय टू में वन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सेवन बाय टू डिवाइड में सेवन बाय टू। अब हाफ में वन ऐड करोगे तो थ्री बाय टू डिवाइड में थ्री बाय टू। अब नेगेटिव वन बाय टू में वन ऐड करोगे तो वन बाय टू डिवाइड में वन बाय टू। तो सेवन बाय टू का क्या हो जाएगा, टू बाय सेवन। यहाँ थ्री के साथ थ्री कैंसिल तो क्या आ जाएगा, टू एक्स की पावर थ्री बाय टू, और यहाँ क्या आ जाएगा एट, ये रूट है तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स। वन बाय टू को हम क्या लिख देंगे, रूट एक्स। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन देखने में ये टिपिकल लग रहा है लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो। तो यहाँ एक्स माइनस वन, यहाँ से प्लस वन, एक्स माइनस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन। अब दोनों में से एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है तो क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन। ये दोनों कैंसल तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वन। अब एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स फोर बाय फोर और वन की इंटीग्रेशन एक्स। तो ये आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन है वन माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स। अब रूट एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रूट एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स, और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास आ गया एक्स की पावर हाफ, और ये आ गया एक्स की पावर वन और एक्स की पावर हाफ। तो ये आ गया आपके पास एक्स की पावर हाफ, ये वन प्लस हाफ क्या हो गया, थ्री बाय टू। अब इनकी क्या कर दो, इंटीग्रेशन। हाफ प्लस वन क्या होगा, थ्री बाय टू डिवाइड में थ्री बाय टू। थ्री बाय टू प्लस वन क्या होगा, फाइव बाय टू डिवाइड में फाइव बाय टू। तो थ्री बाय टू को क्या बोलेंगे, टू बाय थ्री, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टू बाय फाइव, एक्स की पावर फाइव बाय टू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है हमारे पास रूट एक्स ब्रैकेट में थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। पहले तो रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू रूट एक्स। एक क्वेश्चन टू एक्स इंटू रूट एक्स सेकेंड, और थ्री इंटू रूट एक्स। अब रूट एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स की पावर हाफ, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो टू प्लस हाफ क्या हो जाएगा, फाइव बाय टू। इसी तरह वन प्लस हाफ क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन बाय टू। अब थ्री को बाहर निकाल दो। अब इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव बाय टू प्लस वन क्या हो जाएगा, सेवन बाय टू डिवाइड में सेवन बाय टू। अब थ्री बाय टू प्लस वन क्या हो जाएगा, फाइव बाय टू डिवाइड में फाइव बाय टू। अब हाफ में वन ऐड करोगे तो थ्री बाय टू डिवाइड में थ्री बाय टू। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो थ्री इंटू टू सिक्स बाय सेवन, एक्स की पावर सेवन बाय टू। ये क्या हो जाएगा, फोर बाय फाइव, एक्स की पावर फाइव बाय टू। और ये क्या, थ्री के साथ थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स की पावर थ्री बाय टू। तो ये आज हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।